तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी सामान का हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसमें से कोई भी स्पॉन्सर या फिर कोई रिव्यू यूनिट वाला प्रोडक्ट नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट है मैंने इसको खुद ही परचेस किया है अपने पैसों से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो भी आपको प्राइस बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही डिस्काउंटेड यानी कि डिस्काउंट वाली प्राइस बताने वाला हूँ, तो यार आप इसको काफी इजिली उसी प्राइस पे मार्केट में परचेस कर पाओगे। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ रिमोट कंट्रोल की, तो यहाँ पर जो मैंने रिमोट कंट्रोल यूज किया है वो है फ्लाई स्काई की तरफ से आने वाला FSCT6B जो कि यार काफी सस्ता रिमोट है और 6 चैनल के साथ आता है। और बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको रिमोट कंट्रोल मैनुअल और उसके साथ यहाँ पर आपको एक कनेक्टर देखने को मिलता है जिससे आपका जो रिमोट है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा या फिर आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा USB के थ्रू, और आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो अपने रिमोट में वो आप काफी इजिली इससे कर ले जाओगे। और अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके साथ और क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको एक डिस्क भी देखने को मिलती है जिसमें फ्लाई स्काई के सॉफ्टवेयर वगैरह आपको मिलेंगे, और उसके साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक रिसीवर भी आपको देखने को मिल रहा होगा छोटा सा, यही हमारे एरोप्लेन के अंदर रखा रहेगा जिससे हमारी जो एरोप्लेन है वो हमारी कनेक्ट रहेगी अपने ट्रांसमीटर के थ्रू, ठीक है। और आप इसी ट्रांसमीटर और रिसीवर के थ्रू क्वाडकॉप्टर या फिर ड्रोन जैसी चीज़ें काफ़ी इजीली घर पे बना सकते हो, और काफ़ी सारी RC से रिलेटेड सामान भी आप घर पे बना सकते हो। और गाइज यहाँ पर आपको रिमोट में 8 सेल का सेटअप देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पर आपको 8 सेल की जरूरत पड़ेगी इस रिमोट को रन करने के लिए, और यहाँ पर मैनुअल भी काफी ज्यादा काम का होने वाला है, तो भाई इसके आप लोग मत फेंकना, बट मैंने यहाँ पर इसको पढ़ लिया है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। और अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अपने प्लेन के आन बान शान के बारे में, भाई कुछ ज्यादा हो गया मुझे पता है, बट ये सही में प्लेन की जान है क्योंकि भाई बिना इसके हमारी प्लेन उड़ ही नहीं सकती है, यही थ्रस्ट क्रिएट करता है, यही सब कुछ करता है। तो गाइस यहाँ पर जो चीज है उसका नाम है मोटर, और उसी के साथ हमारा प्रोपेलर और ESC का पूरा किट है, ठीक है। तो गाइस ये तीनों चीज की मैंने किट ऑर्डर की थी जिसका प्राइस है 800 रुपए, जिसमें 30 एम्पियर का ESC और 2200 kV का मोटर, BLDC मोटर, ठीक है, और 4.5 इंचेस के 2 प्रोपेलर हम लोगों को मिल जाते हैं। तो ये प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो मोटर का पूरा किट था ये काफ़ी ज़्यादा चीप ऑफ कॉस्ट पड़ गया, मतलब काफ़ी सस्ता पड़ गया मुझको, और आप भी इसी प्राइस में अमेज़ॉन पे पा सकते हो। और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब का मैं यहाँ पर एक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप इन सारी चीज़ों को प्रोडक्ट को खरीद पाओगे। और गाइज यहाँ पर जो हमने रिमोट कंट्रोल यूज़ किया था रिसीवर और ट्रांसमीटर उसका जो प्राइस था वो था 3000 रुपये, मतलब कि 3000 रुपीज़। आप इसको अमेजोन पे भी इसी प्राइस रेंज के आसपास पा जाओगे काफ़ी ही ईजिली। और यहाँ पर हमने 2 सर्वो मोटर्स भी लिए थे, हमने क्या सोचा था कि भाई हम लोग एक रडर के लिए यूज़ करेंगे और एक एलिवेटर के लिए यूज़ करेंगे, बट बाद में हमने अपना डिसीजन चेंज करके सिर्फ 1 सर्वो मोटर का यूज़ किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एलिवेटर के लिए, क्योंकि भाई रडार का सिस्टम हमने हटा दिया था। अब भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने एक और भी प्रोडक्ट का यूज़ किया था जिसका नाम है लिपो बैटरी, बिना इसके हमारी प्लेन तो उड़ ही नहीं सकती थी क्योंकि भाई यही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे मोटर को पावर देता है। और यहाँ पर इस बैटरी की जो प्राइस है, मतलब कि जिस रेंज में मैं पाया हूँ वो है 1300 रुपये, तो भाई यार बहुत ही सस्ता मैं पा गया, 2200 mAh की बैटरी, 11.1 वोल्ट की लिपो वाली बैटरी, और यहाँ पे मैं 1300 का पा गया, तो भाई बहुत सही डील चल रही थी उसी टाइम पे मैंने इसको खरीदा था। आप भी ऐसे ही डील का वेट कर लो और सारे प्रोडक्ट उसी टाइम पे खरीदना, ठीक है। और जो सर्वो मोटर हमने यूज़ किया था उसकी प्राइसिंग थी 200 रुपये, यानी कि 100 रुपये का एक, ठीक है, तो काफ़ी सस्ता ये भी मुझे पड़ गया था। और अगर मैं एक पूरी अप्रॉक्स वैल्यू आपको बताऊं पूरे प्रोडक्ट को मिला करके, तो यहाँ पर लगभग 5000 के आसपास हमारा पूरा प्लेन तैयार हो गया था, और ऐसे कुछ हम लोगों का प्लेन दिख भी रहा था। और गाइस कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर फॉर्म शीट वगैरह का यूज़ करते हैं, तो भाई उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं क्योंकि भाई 400-500 रुपये का तो फॉर्म शीट आता है, और उसके बाद उसके ऊपर टेपिंग वगैरह कर करके उसको लगाना होता है, भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि भाई अगर कहीं आप थर्माकोल को अच्छा खासा शेप दे सकते हो तो भाई टाइम लगा करके उसको अच्छा शेप दो और उसी को बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन करके अपने प्लेन को उड़ाओ, ठीक है।
तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो यार ऑफ कोर्स लाइक कर देना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और प्लीज यार एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना इस कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इस प्लेन की मेकिंग देखना चाहते हो तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और प्लेन को बनाते हुए बिंदास देखो और अपने घर पे बना करके इस प्लेन को उड़ाओ। तो हम मिलते हैं आपको इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय मेरे दोस्त।